मिल्स का सायरन सुनते ही अपनी अपनी फैक्ट्रियों की ओर जाते लोग विलायती कपड़ों, मोटर गाड़ियों और चकाचौंध से भरे शहर। हर दिन लाखों टन साजो सामान ढोते उतारते पानी के बड़े बड़े जहाज। दोस्तों, ये तस्वीरें उस बंगाल की हैं जो आजादी के बाद से लेकर 60s तक इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल हब में से एक हुआ करता था। टेक्सटाइल गुड से लेकर टी प्रोडक्शन और जूट कल्टीवेशन से लेकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग जैसी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया के ईस्टर्न एंड पर बसे इसी स्टेट के हार्टलैंड में की जाती थी। और ये वही समय था दोस्तों जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की शुरुआत में बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ इंडिया के तीन बिगेस्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट किया करता था। उस दौरान बंगाल के पास दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान, हावड़ा, कल्याणी और हल्दिया जैसी इंडस्ट्रियल सिटीज भी थी और रमेश चंद्र दत्ता, रघुनंदन भांजा, बंसीलाल शर्मा जैसे इंडस्ट्रियल टाइकून्स भी। यहाँ मौजूद गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स लिमिटेड सी वेसल्स और वॉरशिप्स को मैन्युफैक्चर करने में कुछ वैसा ही रुतबा रखते थे जो आज गोवा के मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का है। और दोस्तों, बंगाल के इस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इकोसिस्टम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि द बंगाल जूट मिल्स और हावड़ा जूट मिल्स के राइज ने सिंगल हैंडेडली वेस्ट बंगाल को जूट कैपिटल ऑफ इंडिया का टैग दिला दिया था। साथ ही HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसे PSUs देश में तेजी से बढ़ती हैवी इंडस्ट्रीज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस रिसोर्स रिच राज्य का रुख ऑलरेडी कर चुके थे। और दोस्तों, यही कारण था कि उस दौरान नेशनल GDP में अकेले बंगाल का शेयर 10% से ज्यादा हुआ करता था और बंगालीज देश में थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम को एंजॉय किया करते थे। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि 60s तक बंगाल और बंगालियों की चारों उंगलियां घी में थी। और अब फास्ट फॉरवर्ड टू ईयर 2024, जब वो बंगाल जो 1960-1961 तक इंडिया की नेशनल GDP का 10% हिस्सा होल्ड करता था, उसका शेयर पिछले 6 decades में डिक्लाइन होकर लगभग आधा हो गया है, विच इज 5.6% इन 2023 एंड 2024। और जो बंगालीज पर कैपिटा इनकम के मामले में कभी देश के तीसरे सबसे बड़े ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया करते थे, आज उनकी पोजीशन डिक्लाइन होकर ओडिशा से भी नीचे चली गई है। दरअसल हाल ही में EAC PM यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसका काम आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है, उसने रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स बिटवीन 1960-61 टू 2023-24 नाम का एक पेपर रिलीज किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि ईयर 1960 से 2024 तक जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हुई है, तो वहीं वेस्ट बंगाल ने एक कंटिन्यूस डिक्लाइन को फेस किया है, जिसके चलते अब नेशनल GDP में बंगाल का शेयर रिड्यूस होकर महज 5.6% रह गया है। सिमिलरली, जिन बंगालियों की रिलेटिव पर कैपिटा इनकम 1960 में नेशनल एवरेज से 27% हायर हुआ करती थी, वो आज नेशनल इनकम के कंपैरिजन में 83.7% ही रह गई है। यानी अगर 1960 में एक आम भारतीय 100 रुपए कमाता था तो बंगाली 127 रुपए कमाते थे, लेकिन अगर आज एक आम भारतीय 100 रुपए कमा रहा है तो बंगालियों की जेब में सिर्फ 83 रुपए ही आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि सन 2000 से 2001 तक जहाँ ओडिशा की पर कैपिटा इनकम 55.8% थी, वो आज 88.5% के आंकड़े को छू रहा है, लेकिन उसका वो पड़ोसी राज्य जिसका नाम कभी देश की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक हाउसेस के बीच लिया जाता था, आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस करने को मजबूर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बंगाल, वो स्टेट जो 18 सेंचुरी से लेकर 1960s तक इंडिया का मोस्ट इकोनॉमिक एपिसेंटर हुआ करता था, कैसे मॉडर्न टाइम्स में अपनी सिग्निफिकेंस खोता जा रहा है। क्या कारण है कि ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रॉन्ग कोस्टल लाइन होने के बावजूद इस राज्य को गुजरात, ओडिशा, आंध्रा और तेलंगाना जैसे मैरिटाइम स्टेट्स इजीली आउटरन कर रहे हैं। क्या है कहानी बंगाल के इकोनॉमिक डाउनफॉल की, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अन अकेडमी का UPSC CSE सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है 24,999 रुपए में, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। और दोस्तों, ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज ने 70+ सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें आपको मिलता है कम्प्लीट GS, CSAT और टेस्ट सीरीज का एक्सेस और एक्सेस अनलिमिटेड बैचेस का। और साथ ही करेंट ऑफर के तहत अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 12 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स एक्स्ट्रा और 18 मंथ्स के साथ 4 मंथ्स एक्स्ट्रा। तो अभी जाइए और ये सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी सीरियस UPSC तैयारी को शुरू कीजिए। और चलिए अब आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द फॉल ऑफ बंगाल्स इकोनॉमी। दोस्तों, प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 3 मेन इंडस्ट्रियल एपिसेंटर्स को डेवलप किया था। वेस्ट में बॉम्बे यानी आज का मुंबई, साउथ में मद्रास यानी आज का चेन्नई और ईस्ट में कैलकटा यानी आज का कोलकाता।
जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो इन तीन इंडस्ट्रियल सिटीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक वेल डेवलप्ड ट्रेड इकोसिस्टम था जो इन्हें पोर्ट्स के सहारे ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता था। यही कारण था कि 1950 से 1960 तक इंडिया में हो रही ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्हीं रीजन्स के इन एंड अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड रहती थी। ईएसई द्वारा पब्लिश्ड इस रिपोर्ट की माने 1960-61 तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल अनडिवाइडेड यूपी और अनडिवाइडेड बिहार के साथ मिलकर देश की जीडीपी के 54% को रिप्रेजेंट किया करते थे। लेकिन 1960 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से अचानक पीछे होने लगा। इस फ्लोचार्ट को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जहां 1960 से 2024 के बीच महाराष्ट्र का नेशनल जीडीपी में शेयर 12-15% के बीच वैरी करता रहा है, तो वही इसी सेम ड्यूरेशन में तमिलनाडु के शेयर ने भी 8-9% की स्टेडी ग्रोथ को रजिस्टर किया है। लेकिन वेस्ट बंगाल के केस में जीडीपी शेयर को रिप्रेजेंट करने वाली रेड लाइन 1960 से कंटिन्यूसली डिप करती नजर आ रही है, जिसका सीधा असर बंगालियों की पर कैपिटा इनकम पर हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ठीक से एनालाइज करने पर इसके दो प्रोमिनेंट रीजंस निकलकर सामने आते हैं दोस्तों, जिसमें से एक है मिड 60s के बाद से बंगाल में इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिक्लाइन होना और दूसरा बंगाल के कंपैरिजन में अदर मैरिटाइम इंडियन स्टेट्स का राइज। आइए अब एक एक करके इन दोनों एंगल्स को समझते हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन बंगाल। दोस्तों, आज वेस्ट बंगाल जिस इकोनॉमिक डाउनफॉल को फेस कर रहा है उसकी शुरुआत तब हुई जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बंगाल का इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक होने लगा। डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1950-51 तक हमारे तीन कोस्टल प्रोविंस यानी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल मिलकर देश के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 73% प्रोडक्शन किया करते थे, जहां बॉम्बे का शेयर 33%, बंगाल का शेयर 27% और मद्रास का शेयर 12% हुआ करता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त तक बॉम्बे का बाइफोकेशन नहीं हुआ था, यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट किया करते थे। ऐसे में देखा जाए तो 1950 तक महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिलकर 33% इंडस्ट्रियल आउटपुट को प्रोड्यूस किया करते थे और बंगाल अकेला 27%। यानी रिलेटिव टर्म्स में इस पीरियड तक बंगाल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के मामले में देश का नंबर वन राज्य था। बंगाल के वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को पहला बड़ा झटका तब लगा जब नेहरू सरकार ने देश में सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए अपने फर्स्ट 5-ईयर प्लान 1950-1951 को इंट्रोड्यूस किया। और दोस्तों, इस प्लान के दो मेन फोकस एरियाज थे। पहला, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और दूसरा, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय देश की इकोनॉमिक जर्नी में पार्टिसिपेट कर सके। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान बंगाल के लिए काफी हिट साबित हुआ, क्योंकि पार्टीशन के बाद बंगाल के ज्यादातर जूट कल्टीवेशन जोन्स ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चले गए थे। ऐसे में इस प्लान ने बंगाल की जूट इंडस्ट्री को एक बार फिर से रिवाइव होने का मौका दिया, जिसका असर यहां के एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा और सालों से ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों से परेशान किसान वर्ग को थोड़ी राहत मिली। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला पार्ट बंगाल के लिए अनवांटेड रिजल्ट्स लेकर आया। दरअसल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर स्पेशल एम्फेसिस देने के चक्कर में नेहरू सरकार बंगाल की उन हैवी इंडस्ट्रीज को भूल गई जो बरसों से यहाँ का इकोनॉमिक इंजन चला रहे थे। कोल और तरह तरह का मेटल उत्पादन बंगाल की हैवी इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन फर्स्ट 5-ईयर प्लान्स में इन इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट नीड्स जैसे पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा को निग्लेक्ट कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल अपने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाया। और सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी के चलते बंगाल की हैवी इंडस्ट्रीज वीक हो गई, जिसका सीधा असर बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ा। मिड 50s तक जिस बंगाल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 24% और एम्प्लॉयमेंट शेयर 27% हुआ करता था, वो मिड 60s आते आते रिड्यूस होकर 20 के आसपास आ गया। मिड 60s के इसी दौर में बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब अचानक रातों रात इंडिया पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग छिड़ गई। जंग के चलते सरकार को अपने यूनियन बजट में मेजर चेंजेस करने पड़े, लेकिन बंगाल को सबसे ज्यादा प्रभावित सेंटर के रेलवे बजट ने किया। दरअसल इस वक्त तक बंगाल की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले किया करती थी, जिसका कारण दूसरे सेक्टर्स के लिए मशीन्स और दूसरे इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल आइटम्स बनाना होता था। हावड़ा के बाईलेंस में कई सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी सेपरेट इंजीनियरिंग यूनिट चलाया करते थे, जिनका काम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को बनाकर बंगाल में ऑपरेट कर रही एंड्रू यूल, जेसप और बर्न स्टैंडर्ड जैसी मेजर कंपनीज को सप्लाई करना होता था। इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स की एक बड़ी डिमांड इंडियन रेलवे की ओर से आती थी, जो खुद पैन इंडिया एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन जब 1965 की वॉर शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने रेलवे के इस एक्सपेंशन बजट को रिड्यूस कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 1964 और 65 में रेलवे का जो डेवलपमेंट आउटले मैसिव 2800 मिलियन हुआ करता था, उसे फाइनेंशियल ईयर 66-67 में रिड्यूस करके 1600 मिलियन कर दिया गया। एंड सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 1969 से 1970 तक तो ये बजट फर्दर रिड्यूस होकर 950 मिलियन तक आ गया। इस बजट शॉर्टेज का नतीजा ये हुआ कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड 1965 से 1970 के बीच बेहद कम हो गई, जिसके चलते हावड़ा जैसे इलाकों से ऑपरेट कर रही लोकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को अपना काम बंद करना पड़ा। लेट 60s के इसी ड्यूरेशन में वो तीसरा बड़ा चेंज भी आया, जिसने बंगाल में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डाउनफॉल को सबसे ज्यादा इंटेंसिफाई किया। दरअसल 60s आते आते दोस्तों बंगाल एक बड़े पॉलिटिकल चेंज को विटनेस कर रहा था, जहां स्टेट में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टीज का राइज हो रहा था। अब क्योंकि इस तरह की पार्टीज की टारगेट ऑडियंस किसान और मजदूर वर्ग होते हैं, इसीलिए बंगाल की ज्यादातर जनता इनसे इजीली कनेक्ट कर पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के डाउनफॉल को लेकर वर्कर्स ऑलरेडी कांग्रेस से खफा थे, और ऊपर से 1966 के फेमस बंगाल फैमिन ने किसान वर्ग को भी कांग्रेस के खिलाफ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1967 या 1967 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बंगाल ने अपनी फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को विटनेस किया, जो अजॉय मुखर्जी की बांग्ला कांग्रेस जैसी कई पार्टीज का एक कोलिशन थी। अब क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट नाम से मशहूर हुए इस कोलिशन से जुड़ी ज्यादातर पार्टीज लेफ्टिस्ट या यूं कहें कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी, इसीलिए पावर में आते ही इस ग्रुप ने वर्कर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनी ओनर्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि कहीं कहीं ये डिमांड जायज थी, लेकिन ज्यादातर जगह ये बिल्कुल नाजायज डिमांड थी, और जिसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि यूनाइटेड फ्रंट के पावर में आते ही बंगाल में वर्कर की स्ट्राइक्स बढ़ने लगी और जगह जगह इंटेंस लेबर मूवमेंट शुरू हो गए। इस दौरान बंगाल में घेराव जैसी कुछ प्रैक्टिसेस भी काफी पॉपुलर हुई, जहां मिल वर्कर्स अपने मैनेजर को फिजिकली कन्फाइंड करने लगे। सिमिलरली 1970s में बंगाल ने 678 यानी 678 स्ट्राइक्स और 128 लॉकआउट्स को विटनेस किया, और देखते ही देखते वर्कर्स की मांगों को लेकर शुरू हुए इन लेबर मूवमेंट्स में सर्टेन लेवल ऑफ मिलिटेंसी आ गई, जिसके बाद मिल वर्कर्स और दूसरे सीनियर मेंबर्स को टारगेट किया जाने लगा। लोग बंगाल में अब इन्वेस्ट करने से डरने लगे, और अब क्योंकि बंगाल की हैवी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी थी, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के बीच बंगाल को लेकर पैदा हुए इस डर ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के राइजिंग प्रोसेस को भी हिंडर कर दिया। दूसरी तरफ बंगाल के वॉइड को महाराष्ट्र में पुणे, कर्नाटका में बेंगलुरु, गुजरात में सूरत और अहमदाबाद, और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जैसे शहर फिल करने लगे, और स्टेट के इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिलेवेंस देखते ही देखते खत्म हो गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अर्ली 70s के बाद बंगाल को सबसे ज्यादा समय तक रूल करने वाली ये लेफ्टिस्ट पार्टीज स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो होते नहीं देखना चाहती थी। लेट 70s में वेस्ट बंगाल के सीएम रहे ज्योति बासु स्टेट में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये पार्टीज इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ तो चाहती थी, लेकिन MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्टेट में लाए बिना। दरअसल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज रखने लोगों का मानना था कि MNCs का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, जिसके चलते वो वर्कर्स की नीड्स को ठीक से एड्रेस नहीं करती। सिमिलरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज भी उन लोगों के लिए उस ब्रिटिश राज को रिप्रेजेंट करती थी, जिन्होंने 200 सालों तक बंगाली किसानों का शोषण किया था। इसीलिए इन पार्टीज ने अपने वोट बैंक के लिए MNCs या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्टेट में आने से रोक दिया। इन पार्टीज का यही स्टैंड वो बड़ा कारण था जिसकी वजह से 1991 के LPG रिफॉर्म्स बंगाल में मिनिमम इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। नतीजा कभी देश का 1/4 प्रोडक्शन करने वाला बंगाल 5% पर आ गया। इस दौरान बंगाल ने टाटा ग्रुप जैसे कुछ लोकल प्लेयर्स को जरूर इनवाइट किया, जिसके चलते हल्दिया जैसा इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल प्लांट स्टेट में आया। लेकिन महाराष्ट्र या गुजरात जैसे स्टेट्स के साथ कम्पीट करने के लिए ये इनिशिएटिव काफी नहीं थे। 21st सेंचुरी आते आते बंगाल में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज वाली पार्टीज का प्रभुत्व और बढ़ गया, और बुद्धा देव भट्टाचार्य की CPIM, ममता बनर्जी की TMC जैसी पार्टीज गेम प्ले में एंटर कर गई, जिसके चलते इन्वेस्टर्स इन रीजन से और दूर हो गए। ऊपर से 2006 की टाटा नैनो सिंगूर जैसी कॉन्ट्रोवर्सीज ने बड़े इन्वेस्टर्स के बीच बंगाल को और ज्यादा अनपॉपुलर बना दिया, और आलम यह है कि अब तक बंगाल इस एंटी इंडस्ट्री वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाया है। बंगाल में आने वाली हर सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहती है, लेकिन बिना अपने वर्कर्स और फार्मर्स वाले वोट बैंक को नाराज किए। लेकिन क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की इस वीकनेस को ही बंगाल के करंट इकोनॉमिक डाउनफॉल का सोल रीजन माना जा सकता है? शायद नहीं, और आइए जानते हैं कैसे। राइज ऑफ बेटर मैरिटाइम स्टेट इन इंडिया। दोस्तों आजादी तक बांग्लादेश जिस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को होल्ड करता था, उसका एक बड़ा कारण ये था कि ये एक मैरिटाइम स्टेट था।
यानी इसके पास अपनी एक कोस्ट लाइन थी जहां मौजूद पोर्ट से इंट्रास्टेट और इंटरनेशनल ट्रेड करना मुमकिन होता था। लेकिन आजादी के बाद इस तरह के और दूसरे स्टेट्स का इमर्जेंस फेज मैनर में होने लगा, जिसका सीधा असर बंगाल की इकॉनमी पर पड़ा। हालांकि बंगाल की इकॉनमी पर सबसे ज्यादा असर जिन चार स्टेट्स ने डाला वो थे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गुजरात में कांडला और मुंद्रा, महाराष्ट्र में JNPT और आंध्रा में विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स के डेवलपमेंट ने कोलकाता पोर्ट को दुनिया के लिए लेस रेलेवेंट बना दिया। जो कोलकाता पोर्ट अर्ली 2000 में लगभग 60 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल किया करता था, उसकी कार्गो हैंडलिंग बीते 24 सालों में बढ़कर महज 66 टन ही पहुंच पाई है। वहीं दूसरी तरफ जिस कांडला पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अर्ली 2000 में महज 46 यानी 46 मिलियन टन हुआ करती थी, वो आज 3 गुना इंक्रीज होकर 135 यानी 135 मिलियन हो गई है। ऐसा ही हाल विशाखापट्टनम पोर्ट का भी है दोस्तों, जिसके डेवलपमेंट ने ईस्टर्न कोस्ट पर कोलकाता को लेस रेलेवेंट बना दिया है। और दोस्तों कोलकाता पोर्ट का ये डिक्लाइन मेनली दो रीजंस के चलते हुआ है। एक, यूरोप और अफ्रीका से आने वाले कार्गो वेसल्स के लिए कोलकाता पोर्ट जाना कई नॉटिकल माइल्स की एडिशनल जर्नी को ऐड कर देता है, क्योंकि ये पोर्ट इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद है। ऐसे में इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड इन रीजंस के लिए इंडिया के साथ ट्रेड करना ज्यादा आसान बनाते हैं। सिमिलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आने वाले वेसल्स के लिए भी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के पोर्ट पर डॉक करना कोलकाता से ज्यादा आसान होता है। और कोलकाता पोर्ट के इस तरह लेस रेलेवेंट हो जाने का असर बंगाल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी हुआ है, जिसका खामियाजा स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ को उठाना पड़ रहा है। पोर्ट्स की तरह इन स्टेट्स ने बीते 6 दशकों में लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को भी काफी इम्प्रूव किया है, जिसके चलते यहां काम कर रही कंपनीज एक बेटर सप्लाई चेन को एंजॉय कर पा रही हैं। रोड और रेल को इंटरलिंक करके इन स्टेट्स ने अपने यहाँ जो लॉजिस्टिक नेटवर्क डेवलप किया है वो इन स्टेट्स में बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करना बंगाल के कंपैरिजन में ज्यादा आसान बनाता है। और दोस्तों यही कारण है कि ये स्टेट्स एनुअली बंगाल से कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और अगर हम बीते 4 सालों की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र का क्यूमुलेटिव इक्विटी फ्लो लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं सेम ड्यूरेशन गुजरात को 3 लाख करोड़ और तेलंगाना को 60,000 करोड़ रुपए मिले हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस लिस्ट में बंगाल का नाम टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं है, और राजस्थान और झारखंड जैसे स्टेट्स जिसे किसी वक्त तक इकोनॉमिकली चैलेंज स्टेट्स माना जाता था, आज बंगाल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के अलावा इन दूसरे मैरिटाइम स्टेट्स ने अपनी इकॉनमी को भी काफी डाइवर्सिफाई किया है, और सेक्टोरल शिफ्ट की यही स्ट्रेटजी इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आई है। गुजरात और महाराष्ट्र ने टेक्सटाइल और केमिकल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मॉडर्न एरियाज में भी काफी हेविली इन्वेस्ट करके खुद को डाइवर्सिफाई किया है, ताकि स्टेट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस किसी एक दो एरियाज पर डिपेंड ना करे। सिमिलरली जिस आंध्र प्रदेश की इकॉनमी कभी अग्रेरियन बेस्ड हुआ करती थी, वो आज इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर में से भी एक बन गया है। यहाँ तक कि महज 10 साल पहले यानी 2014 में एग्जिस्टेंस में आए तेलंगाना ने भी खुद को देखते ही देखते आईटी हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की मार झेल रहा बंगाल अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने में फेल होता साबित हुआ है। अगर आप ठीक से देखें तो बंगाल की इकॉनमी बीते 200 सालों से इंडस्ट्रियल सेक्टर के इन एंड अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, और उसने मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए खुद को सर्विस सेक्टर में ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया है। ऊपर से स्टेट की टेक्सटाइल और जूट जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी कई तरह के सीवियर चैलेंजेस को फेस कर रही है, जिसका असर स्टेट के रेवेन्यू पर पड़ रहा है। और दोस्तों बंगाल की इस कंडीशन को इकोनॉमिस्ट इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन कहकर बुला रहे हैं, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां किसी एक रीजन की इकॉनमी इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की कमी के चलते थम सी जाती है। लेकिन शायद इंडस्ट्रियल सेक्टर के डिक्लाइन की ही तरह अदर मैरिटाइम स्टेट के इमर्जेंस को भी बंगाल के इकोनॉमिक डाउनफॉल का सोल रीजन नहीं माना जा सकता। दरअसल बंगाल के इस डाउनफॉल के और भी कई सारे कारण नजर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला है शिक्षा की कमी। लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट करने वाले इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने पर यह पता चलता है कि जब बात 80 ईयर से और लोगों की लिटरेसी रेट की आती है, तो बंगाल केरला के बाद देश का सेकेंड मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल में 1950 से 1970s के उस ड्यूरेशन में कंट्रीब्यूट किया था, जब बंगाल एक हाईली प्रॉस्पेरस स्टेट हुआ करता था। लेकिन अगर आप इस सेम ग्राफ में 10 टू 14 एज ग्रुप से जुड़े डेटा पर नजर डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रुप के लिए बंगाल की लिटरेसी रेट केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से भी कम है। यानी मॉडर्न टाइम्स में बंगाल में शिक्षा में कमी आई है, जिसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली उसके ग्रोथ चार्ट पर नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक बंगाल के पास एक वेल एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगी, तब तक वो अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को इम्प्रूव नहीं कर सकेगा, और ना ही अपने यहाँ आईटी या दूसरी इंडस्ट्रीज को इमर्ज करा पाएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि बंगाल की इकॉनमी आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है कि अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो स्टेट की इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है।
ऐसे में सवाल है कि आखिर बंगाल की इस समस्या का समाधान क्या है, वॉट कैन बंगाल डू। दोस्तों बंगाल की हालत आज जैसी भी हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे देश का वो राज्य है जिसके लिए कभी ऐसा कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वो हिंदुस्तान कल सोचता है। यानी बंगाल और बंगालियों के पास पोटेंशियल की तो कमी नहीं है, बस यहाँ जरूरत है तो बस एक ऐसे लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक प्लान की जो बंगाल की इकोनॉमी को स्टैग्नेशन के मोड से बाहर निकाल सके और फिर से स्टेडी बना सके। लेकिन ऐसा करने के लिए बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट को कई सारे ड्रास्टिक और अनपॉपुलर स्टेप्स उठाने होंगे। सबसे पहले सरकार को बंगाल में एक बेटर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा जो ना वर्कर के साथ कोई अन्याय करे और ना ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स को सताए। अभी भी बंगाल की लेबर कॉस्ट महाराष्ट्र के मुकाबले काफी कम है जो उसे इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है। सरकार को ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ साथ न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स के बारे में भी सोचना होगा जो उसे एक बड़े और डाइवर्स मार्केट से कनेक्ट करे। हालांकि ये सब तब तक मुमकिन नहीं होगा दोस्तों जब तक बंगाल एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव ना कर ले, क्योंकि बिना एक रोबस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को क्रिएट किए बिना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और ऐसी सिचुएशन में बंगाल राजस्थान और यूपी के फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकता है जिन्होंने सिमिलर प्रॉब्लम को बेटर इंसेंटिव्स, रिबेट्स और क्लियरेंस सिस्टम से काफी हद तक ओवरकम किया है। इन सब के अलावा सरकार को भी कोलकाता पोर्ट को फिर से रिवाइव करने के बारे में सोचना होगा जो अपने आप में रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा सोर्स है। और दोस्तों शायद इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके बंगाल अपने आप को इस डाउनफॉल फेज से निकाल पाएगा और हमारे सामने फिर से वो बंगाल खड़ा होगा जिसे कभी इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप का जूल स्टोन माना जाता था। और दोस्तों इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।